In the month of November, India hosted second summit of Global South, and in this summit, more than 125 countries participated. In this regard, we will discuss what is Global South and how the Global South is different from the Global North, and what are the challenges faced by the Global South in present scenario. So let's start. तो ये जो हमारी सेकंड मीट हुई है ग्लोबल साउथ समिट की, इसके अंदर हमारा जो ये थीम था टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ फिर विद एवरीवन्स ट्रस्ट. तो ये आज हम देखेंगे कि कैसे हम इस पर्टिकुलर थीम को एज अ मेंस क्वेश्चन के कंक्लूजन में कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कंक्लूजन इकट्ठे करने की हमें नीड नहीं होती. ये इस तरह की कोई थीम होती हैं तो वहीं से हम एज अ कंक्लूजन लिख सकते हैं. और जैसे पहले वाली सबमिट थी उसका थीम था यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पस. तो मैं आपको ये वीडियो के लास्ट में बता दूंगी कि कैसे हम इनको एज अ कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ ग्लोबल साउथ? तो ग्लोबल साउथ उन कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि डेवलपिंग हैं और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीकन नेशन, पैसिफिक आइलैंड, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़. तो ये कंट्रीज़ जो हैं वो ग्लोबल साउथ का पार्ट कहलाती हैं. दे आर द डेवलपिंग नेशन एंड कंसिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड इवन द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ PIC. ऑन द अदर हैंड ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ आर दोज कंट्रीज़ विच आर इंडस्ट्रियलाइज्ड developed nation or they have the advanced technology. They are developed one, for example European Union, Italy, Germany and USA, G7 country ka jo group hai wo industrialized nation kehlata hai, developed nation hai. To ye is tarah ke platform ki need kya padi hai aur is platform pe global south ki jo submit ho rahi hai is platform pe India एक ऐसा देश उभर के आया है जहाँ पे ये ग्लोबल साउथ की वॉइस बन सकता है. और इसमें आज हम ये देखेंगे कि ग्लोबल साउथ सबसे पहले क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, प्रेजेंट चैलेंजेस क्या हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को, और फिर हम देखेंगे कि कैसे इंडिया जो है ग्लोबल साउथ की वॉइस को लीड कर सकता है, क्या एडवांटेज हैं इंडिया के पास जो कि बनाते हैं कि वो ग्लोबल साउथ की वॉइस को लीड कर सकता है. जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है इसी तरीके से आप भी अपने उसके अंदर मीन सेंस राइटिंग में बना सकते हैं इसको. सबसे पहले है जो ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी मेजर ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर. तो या तो इन ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर का ये पार्ट नहीं होती, या अगर होती भी हैं तो बहुत ही कम इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है वहाँ पे. इसका एग्जांपल हम देखते हैं पहले UNSC के अंदर. UNSC के अंदर बात करें तो फॉर एग्जांपल देखो अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है. ओवरऑल आई थिंक 54 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनमें से बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन है UNSC के अंदर. और अगर बात करें P5 के अंदर तो इनके पास वीटो पावर है. इन पर्टिकुलर परमानेंट जो मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, US, UK, फ्रांस, ये जो मेंबर्स हैं इनके पास, चाइना इवन, तो इनके पास है वीटो पावर. तो ये कोई भी रेजोल्यूशन होता है पास करते हैं तो उसमें इन कंट्रीज़ की ज़्यादा चलती है. तो लगभग जो 85 पॉपुलेशन जो रिसाइड करती है वो करती है ग्लोबल साउथ में. तो ग्लोबल साउथ में इतनी पॉपुलेशन रिजाइड करने का क्या मतलब है कि इन पॉपुलेशन की कहाँ चलेगी, लाइक इनकी वॉइस कौन सुनेगा. तो इस वजह से हमने ये हम देख पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट चैलेंज एक तो ये फेस कर रही है. दूसरी तरफ अगर देखें तो IMF में अगर बात करें तो इसकी जो लोन कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है कि डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज उसको फॉलो नहीं कर पाती. इतना रीस्ट्रक्चर उनको इकॉनमी में करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न पावर.
ठीक है, तो वो नहीं कर पाती, तो लोकल अपने हिसाब से अपनी इकोनॉमी को नहीं चला पाती। सेकंड इज, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, इनके जो हेड हैं, वो मोस्टली वेस्टर्न नेशन से आते हैं। जनरली आप देखेंगे कि IMF का प्रेसिडेंट मोर और लेस अमेरिकन ही होता है, ठीक है। और WTO की बात करें तो WTO में एक इशू लाइक हमेशा से लटका ही आ रहा है, वो है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम या फूड सब्सिडी प्रोग्राम है। तो इसके ऊपर अभी भी पीस क्लोज है, इसके ऊपर कोई अभी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है, जो कि हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये तीनों जगह पे जो ग्लोबल साउथ हैं, उनकी नहीं चलती है, उनकी वॉइस नहीं सुनी जाती है, उनका बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो कि वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर रहे हैं। यही ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जिसमें ग्लोबल नॉर्थ की पॉपुलेशन, सॉरी, ग्लोबल नॉर्थ की पावर ज़्यादा है। अनदर इज़ अ ह्यूज डिजिटल डिवाइड बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। तो इसमें क्या है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, पहले मैंने आपको बताया कि ग्लोबल नॉर्थ एक एडवांस नेशन है, इनके पास AI है, इनके पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 है, ये सब कुछ इनके पास है। और अगर आपने एक वीडियो मेरी जाके नहीं देखी है सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो आप वो भी जाकर देखना। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो चिप जो है, चिप मेकिंग जो है, वो ज़्यादा चाइना के पास है, लेकिन इसका डिज़ाइन सबसे ज़्यादा करता है USA। तो 45% मार्केट डिज़ाइन की USA के पास है, और चिप कही जा रही है, चिप एक न्यू ऑयल है, क्योंकि बिना चिप के आज आप लगा लो कि ई व्हीकल्स को चलाना, ई व्हीकल्स में चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है, ऑटोमेटिक कार हो गई हमारी, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन चिप्स। तो इसके डिज़ाइन को किसके पास है? नॉर्दर्न कंट्रीज, ग्लोबल नॉर्थ के पास है। तो कितना डिजिटल डिवाइस जो है, ग्लोबल इनइक्वालिटी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें देखने के लिए मिलती है। अनदर इज फेस द सिचुएशन ऑफ टेक्नोलॉजी डिनाइल। जो ग्लोबल साउथ है, वो आज टेक्नोलॉजी डिनाइल की सिचुएशन फेस कर रहा है, या तो वो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हो, या फिर जो मैंने आपको बताया चिप के मामले में हो, उनके डिज़ाइन के मामले में हो, उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात, वो देश पीछे ही रह जाएंगे। तभी हमने ये ग्लोबल साउथ करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे वॉइस सुनी जा सके इनकी। थर्ड इज़ वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। आप सभी जानते हैं कि पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ये कितनी ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के। इवन जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि बांग्लादेश का भी एक आइलैंड है जो कि बिल्कुल डूब ही गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट सिचुएशन की वजह से। वहाँ पे सी लेवल राइज जो है, वो इतना ज़्यादा हो गया था कि उसने आइलैंड को ही डुबो दिया था। तो आप देख पा रहे हैं कि जो वल्नरेबल हैं इतनी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के, और इवन दे डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी फॉर एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। और अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिपोर्ट, ओनली 25% क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट गोज़ टू द साउथ एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। तो इन इन कंट्रीज़ को सिर्फ 25% ही ग्लोबल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट जाता है। और फंड जो है, वो आपको भी पता है कि अभी इतना लाइक ये जो हमारा लॉस एंड डैमेज वाला जो फंड है, वो अभी बना है, और सारी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं $100, जो बिलियन की बात करी गई थी कंट्रीज़ को देने की, तो वो उसमें तो फेल हो ही गई हैं। इसके अलावा है डाइल्यूशन ऑफ CBDR। तो CBDR का जो प्रिंसिपल है, वो डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूट किस में हुआ? पेरिस एग्रीमेंट में। कैसे डाइल्यूट हुआ? कि देखो, जो ग्लोबल नॉर्थ हैं, वो पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गए, उनकी इकोनॉमी जो है ऑलरेडी ग्रोथ उन्होंने इतनी पकड़ ली है, और हमारी जो इकोनॉमी है, ग्लोबल साउथ की जो इकोनॉमी है, उन्होंने अभी ग्रोथ करना स्टार्ट किया है। तो हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ग्लोबल नॉर्थ की, कि वो क्लाइमेट फाइनेंस दें और अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करें। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में क्या किया कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड
रिस्पॉन्सिबिलिटी के टारगेट को हटा के हमने एक जैसा सा बना दिया, हमने लिया है नेशनल डिटरमाइंड गोल जो हैं, एंड ये सब इस तरीके की चीज़ लिया है कि सभी कंट्री को ना अपना बताना पड़ेगा कि हम क्या करने वाले हैं अगले 5 सालों के अंदर, तो सब कंट्री के ऊपर एक जैसा रूल क्यों लागू करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल नॉर्थ की होनी चाहिए ना, क्योंकि वो पहले उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इस्टेब्लिश किया, वो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हैं। तो इस तरह के गोल्स को, इस तरह की चीज़ों को डाइल्यूट किया जा रहा है। दे डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी, वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के। और अभी मैंने ऊपर बताया कि ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में उनका बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी तरफ डिजिटल डिवाइड उनको देखने के लिए मिल रहा है, तो वो इनइक्वालिटी इंक्रीज करेगा। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी डिनाइल के, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वहाँ से आ जाता है कि हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। नेक्स्ट इज किंडल बर्गर ट्रैप। तो इसमें क्या है कि एक ये एक सिचुएशन होती है जिसमें नॉन प्रोविज़न होता है ग्लोबल पब्लिक गुड्स का। तो आप पूछोगे ग्लोबल पब्लिक गुड्स क्या हैं, वो पब्लिक गुड्स जो सबके फ़ायदे के लिए हों, सिंपल सी बात है, ठीक है, उसको हम ग्लोबल पब्लिक गुड्स कहेंगे। इसमें क्या आ जाता है, जैसे कि डिजिटल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना, आर्किटेक्चर होना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो डिजिटल जो है आर्किटेक्चर, जैसे हम जो हैं UPI प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हमने नेपाल और भूटान में UPI दिया है, तो इस तरीके से हमने एक हेल्प करी है, इंडिया ने हेल्प करी है कि वो कहीं ना कहीं ग्लोबल पब्लिक गुड को प्रोवाइड कर देगी। और प्लस क्या है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की जो टेक्नोलॉजी है वो भी ग्लोबल पब्लिक गुड में आती है, क्योंकि सभी पब्लिक को इस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये फेस कर रही है नॉन प्रोविज़न ऑफ ग्लोबल नॉर्थ से, इस तरह के ग्लोबल पब्लिक गुड्स नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ से जो है कोई ले ही नहीं रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी। US से भी मना कर देता है कि हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, इस किस में आके IPR हमारे पास, IPR सबसे ज़्यादा उनके पास हैं। तो टेक्नोलॉजी इनडायरेक्ट वे में टेक्नोलॉजी डिनाइल कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट वे में वो नॉन प्रोविज़न कर रहे हैं ग्लोबल पब्लिक गुड्स का। तो ये टर्म है एक्चुअली, आप यूज़ कर सकते हो कि किंडल बर्गर ट्रैप, द ग्लोबल साउथ इज़ फेसिंग द किंडल बर्गर ट्रैप सिचुएशन। नेक्स्ट इज ग्लोबल साउथ इज़ विक्टिम ऑफ जियो पोलिटिकल इवेंट्स। एग्जाम्पल, रशिया पे जो सेंक्शन लगे, US ने जो सेंक्शन लगाए रशिया के ऊपर, तो उससे क्या हुआ कि इनका जो है डॉलर में व्यापार होना बंद हो गया या फिर बहुत कम हो गया। अब जो कंट्रीज हैं, सपोज़ के कोई कंट्री एक्स है, वो यहाँ से इम्पोर्ट करती थी, ये रशिया जो है लाइक इनके पास क्या है, इनके पास नेचुरल गैस है और इनके पास ऑयल भी है, ठीक है, और नेचुरल गैस हमें फर्टिलाइज़र के लिए चाहिए, ऑयल बाकी नीडी है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए। तो अब एक्स कंट्री है, अब वो व्यापार नहीं कर सकती रशिया के साथ, बिजनेस नहीं कर सकती, बिकॉज के सेंक्शन लग गए हैं। तो इस तरह के सेंक्शन प्राइमरी लगे हैं रशिया के ऊपर, लगाए हैं ग्लोबल नॉर्थ ने, UNSC काउंसिल ने लगाए हैं, लेकिन फेस कौन कर रहे हैं इन सब क्राइसिस को, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, वो कर रहा है ग्लोबल साउथ फेस कर रहा है। किस वे में, कि 3F क्राइसिस को फेस कर रहा है ग्लोबल साउथ, दैट इज़ फ्यूल, फूड एंड फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र नीड फॉर लाइक नेचुरल गैस से फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें नेचुरल गैस चाहिए, और नेचुरल फर्टिलाइज़र नहीं होगा तो एग्रीकल्चर आउटपुट जो है हमारी लो होगी, तो फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी, और फ्यूल हमें ऑयल जो आता है वहाँ से। तो देखो, इस तरह के चैलेंजेस, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं, वो अफेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल साउथ को इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट इज नियो कॉलोनिज्म। तो इसमें क्या है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स को, लीथियम जो है इसको, सॉरी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी। तो कहा जाता है कि, जैसे कि ये कोट आप यूज़ कर सकते हो, कि ये कहा जा रहा है कि सोलर एंड विंड्स फोर्सेस पॉवर्टी ऑन अफ्रीका, के सोलर और विंड्स के ये टारगेट बनाओ, के विंड वाला पावर प्लांट लगाओ, सोलर लेकर आओ, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमने अभी ऊपर बात करी है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये टारगेट, क्लाइमेट चेंज के टारगेट, ये फोर्स कर रहे हैं अफ्रीका के को कि वो पॉवर्टी सिचुएशन में जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, करेंगे कैसे इस टारगेट को पूरा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन हो रही है ग्लोबल नॉर्थ में, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें दिखने को मिल रहा है ग्लोबल साउथ के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हाई इन्फ्लेशन ग्लोबल नॉर्थ में होगी तो जो ग्लोबल साउथ से जो एक्सपोर्ट होगा वो जो है कम हो जाएगा, ट्रेड कम हो जाएगा,
तो इनकी इकॉनमी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगी, पहली बात। दूसरा, जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो अनसस्टेनेबल डेब्ट प्रैक्टिसेस की वजह से सिचुएशन को फेस कर रही हैं, यहाँ पे आ जाता है बांग्लादेश, श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर श्रीलंका क्या फेस कर रहा है? डेब्ट ट्रैप्ड इकॉनमी, जो चाइना की डेब्ट ट्रैप्ड इकॉनमी है उसको फेस कर रहा है, जो कि मैंने आपको एक चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म वाली वीडियो, आप नहीं देखी तो आप देख लेना, वहाँ पर मैंने बताया था कि वॉट इज़ डेब्ट ट्रैप्ड डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। और बांग्लादेश जो है वो भी 40% तक इन्फ्लेशन फेस कर रहा है। इवन ये एग्जांपल आप देख सकते हो, जिम्बाब्वे, वेंजुएला। जिम्बाब्वे में 200% तक इन्फ्लेशन है, वेंजुएला में तो 400% तक है। इन्फ्लेशन इन ग्लोबल नॉर्थ इज़ अफेक्टिंग ग्लोबल साउथ। दिस इज़ हाउ द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर द ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज़, अगर हम ये देखें, आप ये डायग्राम बना सकते हो, ये एक्चुअली डायग्राम पाई चार्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल इनइक्वालिटी को। कैसे? यहाँ पे है ये ग्लोबल नॉर्थ है, ग्लोबल साउथ जो है उसकी पॉपुलेशन है 85%, ठीक है, और ग्लोबल नॉर्थ की पॉपुलेशन जो बची है 15% अप्रोक्सीमेटली, और इनका जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में वो देखो कितना है, वो है 39%। ग्लोबल नॉर्थ जो है जीडीपी का, ग्लोबल जो जीडीपी है उसका 39% जो है वो उसके पास है, लगभग 40%, और बाकी जो पॉपुलेशन है उनके पास बाकी बचा हुआ जीडीपी है। तो यहाँ से आप लगा सकते हो कितनी म्यूनिस्कल पॉपुलेशन ऑफ ग्लोबल नॉर्थ इज़ हैविंग अ मच एंड लार्जर जीडीपी देन द ग्लोबल साउथ। तो वॉट इट रिप्रेजेंट ग्लोबल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इज, क्या क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया जो है ग्लोबल साउथ की वॉइस बन सकता है, या इंडिया के पास क्या एडवांटेज हैं? क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक अपनी स्टेटमेंट देते हुए बोला था, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जिनका नाम है एस जयशंकर, तो उनका स्टेटमेंट आया था, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ इंडिया टू बिकम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बिकॉज ग्लोबल साउथ डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंट डे चैलेंजेस। तो इस तरीके से एक तो ये स्टेटमेंट उनका आया था, तो यहाँ से हम अपने मेन सेंस राइटिंग में इस तरीके से स्टेटमेंट को डाल के इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के लास्ट में स्टेटमेंट को डाला हुआ है। तो इसके अलावा ग्लोबल जो इंडिया है वो आज सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करता कि वो एक ग्लोबल साउथ कंट्री का पार्ट है, आज वो ये रिप्रेजेंट नहीं करता, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल जो साउथ नॉर्थ है और ग्लोबल जो साउथ है उसके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है इंडिया। तो इट इज़ एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। तो दीज आर द सम ऑफ द केसेस जो कि इंडिया को वॉइस बनाते हैं ग्लोबल साउथ की। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल और कुछ चीज़ें लिखी हैं जहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडिया जो है वॉइस बन सकता है ग्लोबल साउथ की। कैसे? हम जो हैं वो की प्लेयर हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन में। कैसे? कि हम G77 कंट्रीज़ का पार्ट हैं, जो कि ऑल्सो UNSC रिफॉर्म के लिए, मल्टीलेटरल रिफॉर्म के लिए अपनी वॉइस रेज करती रहती है। बिम्स्टिक का हम पार्ट हैं, IBSA प्लेटफॉर्म जो है उसका हम पार्ट हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट इज, सॉफ्ट पावर एडवांटेज है हमारी, वो हमें कहाँ कहाँ दिखाई देती है कि ब्रिज डिजिटल डिवाइड, जो मैंने आपको बताया था किंडल बर्गर ट्रैप, ग्लोबल गुड नॉन प्रोविजन ऑफ ग्लोबल गुड्स। तो हमने ग्लोबल गुड्स को प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। कैसे? UPI जो है हमारा नेपाल और भूटान में एक्सेप्ट हो रहा है, आधार जो है अफ्रीका में भी लाइक उन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, हमारा खुद का, हम लगा लो कि नीचे जो साउथ वाली कंट्रीज हैं उसमें हमारा खुद का GPS सिस्टम है जिसका नाम है नाविक, ठीक है। इसरो की सक्सेस हमें दिखाई देती है चंद्रयान मिशन के अंदर, जो हमने थर्ड लॉन्च किया है उसके अंदर, और इसके अलावा हम की जो हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डर भी हैं और कंट्रीब्यूटर भी हैं UN पीस कीपिंग मिशन के अंदर, हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और इवन वीमेन का जो मिशन है UN पीस कीपिंग में, वहाँ भी हमारा काफ़ी अच्छा स्टेक है। मेडिकल टूरिज्म, जो पुअर कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो हमने मेडिकल टूरिज़्म को प्रमोट करके उन कंट्रीज़ की भी हेल्प कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इवन इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, एग्जाम्पल है फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में ही गारंटी दी गई है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है हमारा, वो बिल्कुल दिखाता है कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल की तरफ हैं। जो हमारी कुटुम्बश्री मॉडल है, जो कि हमारा SHG मॉडल है, वो इवन अफ्रीका में भी एमुलेट किया गया है, कॉपी किया गया है।
कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं जब भी हम किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अनलाइक द चाइना, जहाँ जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने में अपनी लेबर को अपनी ही लेबर लेके जाता है उस पर्टिकुलर देश देश के अंदर. लेकिन हम क्या करते हैं, हम वहीं के लोगों की, लोकल जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी को, वहाँ जॉब क्रिएशन का काम करते हैं, वहाँ पे ही उन्हीं लोगों को हायर करते हैं. कोई भी हमें बिल्डिंग या कुछ भी बनाना हो, एग्जांपल है कैपेसिटी बिल्डिंग हमने अफगानिस्तान में करी है. अनदर इज इंस्टीट्यूशनल बिल्डर है. आज जो हमारा देश है वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डर है. हमने इन सारे प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत अच्छा रोल निभाया है. इनको एक पूरी हमने इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी पूरी भूमिका निभाई है. हम ही लेकर आए हैं इसको एक तरीके से वॉइस करके. जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, CDRI, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, IRIC, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से अपने इंस्टीट्यूशन बिल्डर की तरह एक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो है, मतलब वो प्रमोट करता है थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी. हम सब सभी कंट्रीज़ को साथ लेके चलते हैं. हम एंटागनिस्टिक की तरह नहीं चलते कि हम किसी को पीछे छोड़ दें या अपनी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही ध्यान दें, लेकिन हम थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी को लेके चलते हैं. तो इस वजह से हम सभी कंट्रीज़ को साथ लेके चलने के कारण हमारे इस तरह का हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है. तो ये भी एक केस बनाते हैं कि इंडिया कैन बिकम अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, और वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लोबल साउथ जो मीट है, वो मल्टीलेटरल रिफॉर्म के लिए हम अपनी वॉइस को बढ़ा सकें, बाकी कंट्रीज़ की वॉइस को भी. जो कि मैंने आपको ऊपर अफ्रीका UNSC रिफॉर्म वाले में बताया भी था कि जैसे अफ्रीकन नेशन जो है उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है. एंड नेक्स्ट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज ऑफ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, जो कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि कैसे इंडिया इज़ नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ बट एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ. जैसे मैंने आपको बताया था कि MEE जो एस जयशंकर हैं उनकी स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं. तो इंडिया इज़ अ, उनका कहना है कि इंडिया इज़ अ साउथ एंड वेस्टर्न पावर. ठीक है, दैट इज़ अ केस केस बनाता है कि हम ग्लोबल साउथ की वॉइस बन सकते हैं. और ये मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी ये स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट है. इट इज़ इंडियाज़ ड्यूटी टू बिकम अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बिकॉज ग्लोबल साउथ डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंट डे चैलेंजेस, जो कि मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किए थे. इसका एग्जाम्पल एक ये है कि पहले जो कंट्रीज़ थी, जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ थी, तो वो क्या कह रहे थे कि फोसिल फ्यूल को हमें फेज़ आउट करना है, हमें बिल्कुल ख़त्म करना है, कि हम चाहते ही नहीं कि फोसिल बेस्ड जो है इकॉनमी चले, फ्यूल बेस्ड इकॉनमी चले. लेकिन आप खुद बताओ कि हमारा जो खुद हमारी जो इकॉनमी है इंडिया की, वो 55% जो है वहाँ कोल बेस्ड है. तो हम कैसे जो हैं, ये जो इवन इंडिया क्या, बाकी जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं वो सब डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं. इवन रिन्यूएबल जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, एनर्जी वाली जो टेक्नोलॉजी है, तो उनका एनर्जी ट्रांजिशन कैसे करेंगे. तो एक हमने जब मीट करी थी, आई थिंक COP26 की जो मीट थी, उसमें हमने पूरी मांग रखी थी और बहुत हमने स्ट्रेटेजिकली हमने ये बोला था कि हमें फेज़ आउट नहीं करना, हमें फेज़ डाउन करना है. हम जो है कोल को धीरे धीरे हम नीचे ले जाएंगे उसका परसेंटेज, और रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा बढ़ाएंगे. हम कम्प्लीटली फेज़ आउट नहीं कर सकते. तो ये इंडिया के इतने दबदबा बनाने पे, जो उस पर्टिकुलर जो हमारा स्टेटमेंट था, जो डॉक्यूमेंट निकला था, उसमें फेज़ आउट से फेज़ डाउन की बात की गई. फिर तो दिस इज़ अ वन ऑफ द अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. और दिस इज़ अ ऑल्सो अ स्टेटमेंट जहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर, तो उन्होंने ये बात बोला था कि पीपल वॉन्ट टू लिसन इंडिया एंड सीन विद इंडिया. मतलब आज ये केस है कि पीपल एक्चुअली वॉन्ट टू लिसन इंडिया एंड दे वॉन्ट टू सीन इन इंडिया ये जो एक पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के एक नेता थे, एक लीडर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि UNSC रिफॉर्म के लिए वी वॉन्ट के इंडिया जो है हमारी तरफ से भी खड़े हो. तो ये एक चीज़ है. और इसके बाद एक्चुअली क्या चैलेंजेस हैं ग्लोबल साउथ के, और जो मैं कंक्लूजन की बात कर रही थी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. थैंक यू सो मच.